क्या आपको पता है कि औरतें ही घर का काम क्यों करती है और यह टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। आज के इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट जानोगे कि आप कहोगे ओ इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 7, 1963 में बनी फिल्म क्लियोपेट्रा। यह पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ $44 मिलियन यानी कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास के खर्चे में बनी थी। यह $44 मिलियन उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा रकम थी और आज के ज़माने में हमें इतनी ज़्यादा रकम नहीं लगती क्योंकि साहू फिल्मों को बनने में ही 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता। लेकिन रियलिटी में आज इस फिल्म को बनाया जाए ना तो उसका खर्चा आज $300 मिलियन यानी कि करीब 30 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा आएगा। यानी कि देखिए डॉलर किस तरह से इंक्रीज यानी कि बड़ा होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, मेरे प्यारे दोस्तों हम सबको तो यह पता है कि इजिप्ट के पिरामिड बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है और हमें यह तो नहीं पता कि किस लिए बनाए गए थे। क्या आप जानते हो कि पिरामिड का नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, मतलब ये छोटा ऊपर की तरफ ही होता क्यों जाता है। क्या आपको पता है कि महान पिरामिड बल्ला जो कि गीजा के पास है इसका नुकीला हिस्सा ही ऊपर की तरफ क्यों है। दोस्तों इस पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा ओरिन नक्षत्र की ओर इशारा करता है। प्राचीन मिस्रवासी जब मम्मी को पिरामिड के अंदर दफनाते थे तब उसका ऊपर का हिस्सा नुकीला होने के कारण उनका मानना ऐसा था कि उस पिरामिड से उसकी आत्मा जो है वो सीधे भगवान के पास चली जाएगी। लेकिन मेरा सवाल तो यह है, मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाता है फिर भी वो उनका मानना कैसा रहा होगा कि मरने के बाद पिरामिड के अंदर दफनाने से आत्मा सीधी देवताओं के पास पहुँच जाएगी। दिस इज़ अ वन मिस्टीरियस फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि प्रचार पब्लिसिटी करने से किसी को जेल हो। नहीं सुना होगा, बराबर है। लेकिन फ्लोरिडा में अगर कोई विवाहित महिला यानी किसी महिला की शादी हो चुकी हो अगर वो संडे रविवार को प्रचार करती है तो उसे जेल हो सकती है। दोस्तों अगर ऐसे नियम हमारे इंडिया में होते तो क्या होता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 4, हमारे घर में जो कॉफ़ी का कप होता है ना वह 118 से लेकर 148 ml का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डेविडसन सच्चे चेवान में दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी पॉट है। यह 24 फीट लंबा कॉफ़ी पॉट मेटल शीट और लकड़ी से बना हुआ है। इस बड़े से कॉफ़ी पॉट में इतनी कॉफ़ी समाई जा सकती है कि एक बार में 1.5 लाख कॉफ़ी के कप भर जाते हैं, वो भी एक बार। वैसे आप दिन में कितने कप कॉफ़ी पीते हो। फैक्ट नंबर 3, आज ये जो बड़े बड़े वाइंड मिल्स हम देखते हैं पवन चक्की, क्या आप जानते हो कि इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, ये कब बना था, किसने बनाया था। दोस्तों इसका इस्तेमाल 644 पूर्व ईसा में ईरान में सबसे पहले वाइंड मिल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज के वाइंड मिल्स इतने बड़े हैं कि 10 मेगावाट तक बिजली आसानी से बना सकते हैं और इनके ऊपर एक बड़ा जेट हेलीकॉप्टर आसानी से बैठ सकता है। फैक्ट नंबर 2, टॉयलेट पेपर जो आज हम सब घर में कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन यह कब से शुरू हुआ था। 1300 के दशक के अंत में चीन में सबसे पहले टॉयलेट पेपर का आविष्कार किया गया। यह उन जमाने में सिर्फ बड़े बड़े सम्राटों और राजाओं के लिए था और उस वक्त धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया और आज इसे हम कॉमनली यूज करते हैं। दोस्तों उस जमाने के टॉयलेट पेपर कैसे होते होंगे कमेंट में आप मुझे बताना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख के इस वीडियो को क्लिक किया है, औरतें ही घर का काम क्यों करती है। दोस्तों आपको पता है कि जब इंसान धरती पर आया तब घर के सारे मेंबर्स महिलाएं और पुरुष शिकार पर जाया करते थे। धीरे धीरे पुरुष टीम बनाकर खाने की खोज में जाने लगे। जैसे ही हम इंसानों को पता चला कि फसल किस तरह से उगाई जाती है तो महिलाएं अपने अपने घर के आंगन में या खुले मैदानों में खेती करना शुरू किए। धीरे धीरे उन्हें इन कामों में दिलचस्पी आने लगी और यह सारे घर के काम संभालने लगे और ऐसे ही कार्य प्रणाली आगे बढ़ती चली गई और आज महिलाएं घर के काम में हाथ बटा दिए। दोस्तों आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।